गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने चैप्टर वन अपना कंप्लीट कर लिया जिसका नेम था हमारा रिलेशनशिप्स। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि फैमिलीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से फैमिलीज़ के मेंबर आपस में रिलेटेड होते हैं, फैमिली की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या बातें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी कराई थी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कराए थे। नाउ हम उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग सीखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे या जिनका हिंदी आपको नहीं पता होगी। सो लेट्स सी, फर्स्ट वर्ड है आपका न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली NUCLEARFAMILY, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार। तो आपने पढ़ा है ना न्यूक्लियर फैमिली क्या फैमिली होती, कौन सी फैमिली होती है जिसमें फादर हो, मदर हो और बच्चे हो, बस ये सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहे, ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं, एकल परिवार, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट वर्ड जॉइंट फैमिली, क्या है जॉइंट फैमिली, JOINT, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संयुक्त परिवार। तो जॉइंट फैमिली मीन्स जिसमें ऐसा परिवार जिसमें सब एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों, तो ऐसे परिवार को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली की स्पेलिंग आपने पढ़ी JOINT, जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट वर्ड स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग अप मीन्स विभाजित होना, SPLITING, स्प्लिटिंग अप मीन्स होता है आपका विभाजित होना। विभाजित होना मीन्स अलग अलग होना। हमने पढ़ा था कि जॉइंट फैमिलीज क्या होती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में विभाजित होती जा रही है, मीन्स जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में टूटती जा रही है। नेक्स्ट वर्ड अडॉप्शन, अडॉप्शन मीन्स ADOPTION, अडॉप्शन मीन्स क्या होता है, गोद लेना। तो मैंने आपको बताया था कि जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते वो क्या करते हैं, वो ऑर्फन बच्चों को, ऑर्फन चिल्ड्रंस को, अनाथ बच्चों को क्या कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। उसे ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अडॉप्शन, ADOPTION, अडॉप्शन मीन्स गोद लेना। नेक्स्ट वर्ड फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स FOUNDATION, फाउंडेशन मीन बुनियाद, आधार या नींव। फाउंडेशन मीन्स क्या होता है, आधार, बेस किसी भी चीज का। जैसे पेड़ों का बेस क्या होता है, जड़ें। अगर उनकी जड़ें खराब होंगी तो क्या होगा, पेड़ अच्छा होगा नहीं, जड़ें जब खराब होंगी तो पेड़ अच्छा नहीं हो सकता ना। इसी तरीके से किसी भी परिवार, किसी भी इंसान की नींव कौन रखता है, उसका परिवार। परिवार के बिना किसी भी इंसान की नींव कोई बेस ही नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि परिवार ही नहीं होगा तो क्या इंसान होगा, नहीं। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुनियाद को, नींव को, फाउंडेशन, FOUNDATION। नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स आपने पढ़ा होगा, आपने स्कूल में भी सुना होगा आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड मीन्स पहचान। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, पहचान, आपकी पहचान क्या है। हमें पहचान कौन देता है, हमारा परिवार। आप अपने परिवार से तो जाने जाते हैं कि ये इसका बेटा है या ये इसकी बेटी है। आइडेंटिटी की स्पेलिंग ITENTITY, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंथ, क्या पढ़ेंगे इसको, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। हमारा परिवार हमें क्या देता है, ताकत देता है कि हम बाहर की दुनिया से क्या कर सकें, लड़ सकें। तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। नेक्स्ट वर्ड कॉपरेशन, COPERATION, COPERATION, कॉपरेशन में सहयोग, साथ। क्या हमारी फैमिली हमें क्या सिखाती है कि हमें सबका क्या करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका
डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। ये वर्ड तो आपने बहुत बार क्लास में भी सुना होगा कि डिसिप्लिन बनाए रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें मीन शांति बनाए रखें, अनुशासन रखें। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिंसियर, SINCERE, सिंसियर मीन्स ईमानदार। वैसे सिंसियर मीन्स क्या होता है, गंभीर, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईमानदार। सिंसियर मीन्स ईमानदार, SINCERE, सिंसियर मीन्स ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका सौरो, SORROWS, सौरोज मीन्स दुख। हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम दुख होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉरोस, दुख। नेक्स्ट वर्ड एजुकेशन, एजुकेशन भी आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, EDUCATION, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, पढ़ाई। नेक्स्ट सेल्फलेस, SELFLESS, सेल्फ और लेस, सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ। इसका मीन्स क्या होता है, जैसे बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मीन्स बिना स्वार्थ के। जैसे आपने क्लास में किसी को कोई पेंसिल दी और आपने ये सोच कर नहीं दी कि आपको भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी उससे ले लेंगे, मीन्स आपको अगर मदद करनी है तो ये सोच कर मदद नहीं करनी है कि मेरी भी कभी मदद हो जाए, ये नहीं। आप को जब मौका मिल रहा है मदद करने का, आपको बिना सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, आपका नेचर। या जैसे आपसे बहुत बार लोगों ने पूछा होगा आपका बिहेवियर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, चाल चलन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके व्यवहार में। तो ये कुछ 15 वर्ड्स थे जो आपको डिफिकल्ट लगे होंगे चैप्टर पढ़ते समय, और आपको इनको क्या करना है, इनको याद करना है और इनको समझना है अच्छे से। अगर कोई भी वर्ड आपको नहीं अच्छे और अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को क्या करना है, आपको याद करना है। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, हिंदी भी समझ में आई होगी और इंग्लिश भी। ओके बच्चों, बाय बाय।